हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको मसाला पापड़ की रेसिपी सिखाने जा रही हूँ, जिसे आप शाम के नाश्ते के लिए बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी सामग्री चेक कर लेंगे। सामग्री में मैंने लिया है 2 उड़द दाल के पापड़, 1/4 कप बारीक कटा प्याज, 1/4 कप बारीक कटा टमाटर, इसका बीज और रस निकालकर मैंने इसे काट लिया है, 1/2 कप नाइलॉन सेब, 2 टेबलस्पून कटी धनिया पत्ती, 1 कटी हरी मिर्च, 1/2 टेबलस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून काला नमक और 1 टेबलस्पून नींबू का रस। सामग्री हमने चेक कर ली है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पापड़ के लिए टॉपिंग तैयार करेंगे। उसके लिए आप एक बाउल लीजिए और उसके अंदर कटा प्याज डाल दीजिए, साथ ही में कटा टमाटर, कटी हरी मिर्च, धनिया पत्ती, चाट मसाला, काला नमक और आखिर में नींबू का रस। सभी सामग्री डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। इसे हमने अच्छी तरह से मिला लिया है और टॉपिंग हमारी बनकर तैयार है। इसे हम साइड रखेंगे और पापड़ को सेकना शुरू करेंगे। पापड़ को सेकने के लिए मैंने एक तवे को गर्म करने के लिए रख दिया है। अच्छी तरह गर्म होने के बाद आप इसके ऊपर कुछ बूंदे तेल की डाल दीजिए और इसकी फ्लेम एकदम लो रखकर इसके ऊपर पापड़ सेकने के लिए रख दीजिए। अब इसे हम जब तक सेकेंगे जब तक ये जो कच्चापन आपको दिख रहा है पापड़ के ऊपर वो चला ना जाए। इस तरह से प्रेस करते हुए इसे अच्छी तरह से सेक लीजिए। ये देखिए, दबाते हुए आप देख सकते हैं पापड़ हमारा ऑलमोस्ट सिक ही चुका है। इसको हम पलट देते हैं दूसरी तरफ और दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह सिकने देते हैं। ये आप देख सकते हैं कुछ कच्चापन दिख रहा है, वो भी खत्म हो जाए जब तक आप इस पापड़ को सेक लीजिए। ये देखिए, पापड़ दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक कर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए और इसी तरह से दूसरा पापड़ भी सेक कर तैयार कर लीजिए। तेल डालने की जरूरत नहीं है, इसी पर आप दूसरा पापड़ भी सेकने के लिए रख दीजिए और इसे भी अच्छी तरह से दोनों तरफ से सेक कर तैयार कर लीजिए। दूसरा पापड़ भी हमारा सेक कर तैयार हो चुका है। इसकी फ्लेम आप बंद कर दीजिए और इसे भी प्लेट में निकाल लीजिए। पापड़ तैयार हो चुके हैं। अब इसके ऊपर हम टॉपिंग लगाएंगे। ये टॉपिंग जो हमने बनाकर रखी थी उसे एक बार मिक्स कर दीजिए और अब इसके ऊपर इसे स्प्रेड कर दीजिए इस तरह से। आप अपनी पसंद से टॉपिंग को ज्यादा या कम कर सकते हैं। टॉपिंग हमने लगा दी है, अब इसके ऊपर हम सेव को स्प्रिंकल करेंगे। सेव भी स्प्रिंकल कर दिए है और हमारा मसाला पापड़ सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे तुरंत सर्व करें, नहीं तो ये सौगी हो जाएगा और खाने में कुरकुरा नहीं लगेगा। इसी तरह से हम दूसरा भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। बची हुई टॉपिंग के साथ भी हमने पापड़ को बनाकर तैयार कर लिया है। मसाला पापड़ हमारे तैयार हैं। टोटल मेरे 3 मसाला पापड़ इसमें बनकर आए हैं। आप इसे शाम के नाश्ते के लिए या फिर बच्चों के लिए भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसके अंदर हरी मिर्च को स्किप करें। तो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन हो आपको इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको इसकी इंग्लिश रिटर्न और हिंदी रिटर्न रेसिपी चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट के पेज पर विजिट करें, जो कि है achlafood.com। वहां पर आपको रेसिपी नोट्स और रेसिपी रिटर्न विद स्टेप टू स्टेप पिक्चर मिल जाएगी। टिल देन, बाय बाय।